हाय फ्रेंड्स, फूड गली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे यहाँ पे चिकन भुना मलाई। ये चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। इसके लिए हमने लेना है एक पैन। पैन में डाला है मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लिए हैं बड़े बड़े पीसेस में। यहाँ पे हमने ऐड किया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। इसे हम अच्छे से चिकन में मिला लेंगे। फ्लेम हमारा हाई है, हाई फ्लेम पे आप इसे अच्छे से, ये देखिए हमारा जो हल्दी और नमक है वो अच्छे से चिकन में मिल चुका है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही एक तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसे पकने देना है। बिल्कुल ऐसे ही आप छोड़ दें। 3 से 4 मिनट बाद ये देखिए चिकन में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब आप चिकन के साइड को चेंज कर दें। ये प्रोसेस आप ज़रूर करें, इससे हमारा चिकन का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए दूसरे साइड से भी हमको ऐसे ही गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। जैसे हमारा चिकन दोनों साइड से पक जाए हम चिकन को निकाल लेंगे पैन में। अब उसी तेल में मैंने डाला है 1 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग और 1 तेज़पत्ता। हमें ज़्यादा गर्म मसाला नहीं डालना है यहाँ पर, बस कुछ ही मसालों में, घर के ही मसालों से हम बनाएंगे। 1 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। आप चाहे तो हाथों की मदद से, छुरी की मदद से बारीक बारीक कट कर ले। यहाँ पे मुझे तेल की कमी लग रही है तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। टोटल हमें यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया है। अब हम इसी ऑयल में प्याज को अच्छा सुनहरा कलर होने तक भून लेंगे। हमें डार्क गोल्डन कलर नहीं करना है, प्याज सुनहरा कलर गोल्डन कलर हो जाए बस उतना ही तक हमें इसे फ्राई करना है। जैसे ही हमारा प्याज अच्छा कलर आ जाए गोल्डन सा, इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हमें तब तक भूनना है जब तक कि हमारे जो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है उसका जो कच्चा फ्लेवर है वो चला ना जाए। लो फ्लेम पर हमें भूनना है। एक से दो मिनट बाद हमारा जो अदरक और लहसुन का कच्चा फ्लेवर था वो एकदम से चला गया है। इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाले 1/2 टीस्पून में। यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। उसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला है भुना कुटा जीरा। 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अब हम इन्हें अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी का ऐड नहीं किया, अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे ऐड कर ले। मैंने पानी क्यों नहीं ऐड किया आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बस लो फ्लेम पे आपको अच्छे से इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 1 बड़े साइज़ के लिया है, उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। आप बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं हाथों की मदद से, छुरी की मदद से। ये देखिए टमाटर में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो इसी पानी से हमारा जो मसाला है वो भून जाएगा। अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है, आपके मसाले चिपक रहे हैं, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल लें और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं मेरे वीडियो को। ये देखिए कितना सारा पानी है, अच्छे से हमारा मसाला भून रहा है। 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा मसाला जो अच्छे से भून चुका है। अब उसमें ऐड कर देंगे वो चिकन जो हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब इन मसालों के साथ भी इस चिकन को हम भून लेंगे ताकि जो चिकन में हमारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। इसमें भी हमें पानी ऐड नहीं करना है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी हम इसे अच्छे से भून लेंगे। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के आता है हमारा ये चिकन। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें कितना ऐड करना है, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा ऐड करें। यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी यूज़ किया है। 500 ग्राम चिकन के लिए 1/2 कप पानी इस भुने हुए चिकन के लिए इनफ है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद
हम इसे ढक देंगे। ढक के हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल ना जाए। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। अगर आप पकौड़े खा खा के बोर हो चुके हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। देखिए 9 से 10 मिनट बाद हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक चुका है। आप चिकन को लो फ्लेम पे ही बनाएं। अब हम इसमें कुछ गार्निशिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है फ्रेश हरे धनिया के पत्ते, इसे टेस्ट अच्छा आता है, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा दिखता है। अब 2 हरी मिर्चों को मैंने बीच से चीरा लगा लिया, इसे डाल दिया है। कुछ अदरक के जूलियंस इसमें हम डालेंगे। बारीक बारीक कट कर लें। अब यहाँ पे हम डालेंगे घर की मलाई, उसे अच्छे से फैट लें और फैट कर इसमें डाल दें। इससे हमारा टेस्ट जो क्रीमी टेक्सचर आता है वो आएगा। और बस इसे आप अपने रमज़ान में इफ्तार में इंजॉय कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।